अनुभव का लाभ राज्य सरकार को देने का बड़ा उठाया। एक खूबी यह है कि अगले व्यक्ति के चोट लगने के बाद जो हिम्मत नहीं हारी और उस संघर्ष की दिशा में वो निरंतर आगे बढ़ने के साथ साथ ही वो क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक तक जाने के संकल्प को दोहरा करके आगे बढ़ रहे हैं। जनता से डेमोक्रेसी में संपर्क ज्यादा है, उनकी नबज को पहचानना जनता के बीच में ज्यादा है। अगर हम सचिवालय में बैठकर अधिकारियों की बात करेंगे तो अधिकारियों का रवैया आज नकारात्मक है, सोच के विपरीत है, विकास के विपरीत है। मैं बड़ा सीधा आरोप लगा रहा हूँ, जो सरकार जब कैबिनेट के निर्णय को भी अधिकारी क्रियान्वित नहीं कर रहे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश का नहीं हो सकता। इसलिए नेतृत्व का लाभ हमको मिलेगा, उनकी नीतियों का लाभ हमको मिलेगा, चाहे पंडों की समस्या हो, मजदूरों की हो, किसानों की हो, चाहे दलितों की हो, शोषितों की हो, विकलांगों की हो, उसके दिशा में वो अग्रणी होकर के भागीदारी का निर्वहन कर रहे और हर व्यक्ति तक कांग्रेस की सरकार की उस सोच को ले जा करके आदान प्रदान विचारों का करके एक नीति बनाने का काम कर रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी, क्योंकि पहले मंत्री मुख्यमंत्री निकलते नहीं थे, लोगों से संवाद नहीं करते थे। अगला व्यक्ति मैं समझता हूँ 18-18 घंटे काम कर रहा है, इसका लाभ निश्चित, कोई लोग निराश होकर नहीं, सारे काम तो नहीं होते, लेकिन एक वर्कर को, एक किसी भी पीड़ित व्यक्ति को यह राहत तसल्ली हो जाती है कि मैं मुख्यमंत्री से मिला था या मिली थी, तो एक अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि, इसका श्रेय हमको लेना होगा। लेकिन पूरी कैबिनेट को उस दिशा में काम करना होगा, पूरे संगठन को उस दिशा में प्रचार प्रसार करना होगा, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, लोगों से निरंतर संवाद करना होगा और जो प्रदेश में जो कमी है उसे खुलकर चर्चा करनी होगी। ये कमी है, ये परसेप्शन हमारे खिलाफ जा रहा है, ये अच्छा जा रहा, इस पर खुली बहस और चर्चा हम सबको, पार्टी को और सरकार को करनी चाहिए, जिससे 2017 की चुनौती का मुकाबला करें। इसमें हमको अपने कांग्रेस का एजेंडा, घोषणा पत्र, और चूंकि कर्मचारी प्रधान प्रदेश है, उसमें कर्मचारियों के लिए हमारे एजेंडे में बहुत सी चीजें, नियमितीकरण का है, ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे, आंगनबाड़ी का है, आशाओं के लिए है, दिहाड़ी मजदूरों के लिए है, श्रम कानूनों का पालन कराने के लिए है, लेकिन उस दिशा में हम उतना प्रभावी मैं जो समझता हूँ महसूस कर रहा हूँ। आपको लगता है जो माहौल है, जो कैबिनेट के लोग हैं उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अधिकारियों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, केवल घोषणा करने से और संतोना देने से क्या सरकार 2017 में वापस आ सकती है? नहीं, ये बात से मैं आपकी इत्तेफाक करता हूँ कि केवल घोषणाओं को जब तक धरातल पर नहीं उतरेंगे, अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक हम जनता को ज्यादा दिन तक गुमराह नहीं कर सकते। ये काम हमारी पार्टी ने करना, ये काम ब्यूरोक्रेट्स ने करना, नीचे जिलाधिकारी, तहसील, BDO, SDM तक ये काम उनको करने चाहिए कि सरकार का मंशा क्या है, सरकार के मुखिया का मंशा क्या है। लेकिन वो फाइलें तो शासन से ही बाहर नहीं निकल रही, हमारे ब्यूरोक्रेट सचिवालय से ही बाहर नहीं निकल रही। अब कितने उदाहरण ऐसे कि मुख्यमंत्री कुछ लिखते, अधिकारी उसको उल्टा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये जो निगेटिव मैसेज जा रहा है, पूरे पहाड़ का दौरा किया, अधिकारी उनके द्वारा किए गए आदेश को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जो चीज आप भी मानते हैं, पूरी सरकार के लोग भी मानते हैं। हरीश रावत बहुत बड़ा नेतृत्व है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन नाम कहाँ करेगा जब काम ही नहीं दिखाई देगा? तो 17 में हीरा सिंह बिज भी नहीं जीत सकते, हरीश रावत भी नहीं जीत सकते, तो सरकार कहाँ से वापसी करेगी? मेरा एक बड़ा स्पष्ट मानना है, इस प्रदेश में इसलिए नकारात्मक सोच विकसित हो रही, इसलिए भ्रष्टाचार को भी कहीं ना कहीं संरक्षण मिला, कुछ कुछ भ्रष्ट अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स हमारे सचिवालय में बैठे हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है। रावत जी से अपेक्षा करते हैं, जिस तरह का उनका दबदबा है, नेतृत्व है, सशक्त है, अनुभवी है, एक दो जैसा उन्होंने बहुत पहले एक बयान भी दिया था कि मैं गर्दन मरोड़ दूंगा, जब तक एक दो करप्ट अफसर की गर्दन नहीं मरोड़ी जाएगी तब तक सुधार नहीं होगा। जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं उसको मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। अधिकारियों की इतनी शिकायत हो रही थी, माना जाए कि नेतृत्व अधिकारियों के दबाव में काम कर रहा है? नेतृत्व अधिकारियों के दबाव में तो नहीं काम कर रहा, लेकिन नेतृत्व के आड़ में कौन अधिकारियों से ऐसे काम कराने को मजबूर करे, गंभीर विषय है इसको। नेतृत्व तो अपनी जगह सही निर्देश कर रहा है, सही दिशा निर्देश करता है, सही निर्णय कैबिनेट ले रही, सही परसेप्शन जनता में कि हाँ काम हो रहा, घोषणाएं होगी, लेकिन वो घोषणाएं धरातल पर अमली जमा पहनाएगा कौन? लेकिन तो ये माना जाए, जो ये आपका आक्रामक रुख है, हमेशा आपने गलत चीजों को दिखाया है, तो आपको आगे बढ़ने में कहीं कहीं ये रुकावट बनता है?
आज भी आप, मैं तो अभी का एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। अभी एक कैबिनेट में 4-5 महीने पहले प्रस्ताव पास किया कि उपनल के कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। विधानसभा में सवाल लगाया, माननीय मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि कोई कर्मचारी निकाला नहीं जाएगा, सिवाय इसके कि जो केंद्रीय प्रतिष्ठान में काम करे, जैसे वो एनजीओ हो गया, सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, डिफेंस में हो गया, उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार के हमारे बैंक की। उसके बाद उन्होंने आक्रोश रैली निकाली, मैंने उनको बात की, मुख्यमंत्री से बात की, मुख्यमंत्री बड़े अच्छी तरह से बात की और 3 डिमांड उनकी मान ली कि ये कैबिनेट का निर्णय, मुख्य सचिव का कैबिनेट के निर्णय को लागू करो और विधानसभा में आश्वासन दिया गया है। लेकिन अफसर टस से मस नहीं हो रहे, उन्होंने आक्रोश रैली को आभार रैली में किया, फिर मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया लगभग 1-1.5 हजार लोगों ने, तो उससे गदगद। लेकिन वो कहां जियो है, कहां वो निर्देश अभी जारी क्यों नहीं हो रहे, क्यों टस से मस नहीं हो रहा, उसके बाद हल्द्वानी में निकाल दिया। बात कर रहे थे हम राजनीति की, चलिए आप उपनल की बात कर रहे हैं, उपनल की जियो की बात कर रहे हैं। उपनल में आपको मालूम है 20 हजार से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, कैसे संभव है वो 98% सामान्य आरक्षण के लोग नहीं है उसमें, सामान्य लोग हैं, तो ये कौन से क्लॉज में किस हिसाब से आप सबको समायोजित करेंगे, ये संभव नहीं है। जो संभव नहीं है उसके लिए प्रयास करना कहीं ना कहीं आम आदमी को धोखा देना नहीं। मैं बड़ा स्पष्ट हूँ, मैं बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहा हूँ कि ये पहले तो ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। उपनल एक ऐसा माध्यम बन गया जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए था, उनके परिवारों के हितों के लिए था, उसको एम्प्लॉयमेंट कर दिया और एम्प्लॉयमेंट का काम ठप हो गया। दूसरे, हम उन नौजवानों के भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे नीति नहीं है, हम उनको रेगुलर भी नहीं कर पा रहे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मान लिया गया। उस दिशा में हरियाणा में सरकारी एजेंसी से जो नियुक्ति थे उनको रेगुलर करने का जीव उन्होंने किया, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को आज से 4 महीने पहले मैंने दिया था कि ये जीव अगर हो सकता संभव पीआरडी या उपनल के कर्मचारी को रेगुलर कर दो। दूसरी बात क्या है, हमको भारत सरकार से बहुत नुकसान हो रहा क्योंकि जो हमारे ये संविदा कर्मचारी हैं, हिमाचल में संविदा में बहुत कम है, सिर्फ रेगुलर कर्मचारी हमारे 60 हजार वैकेंसीज हैं। आप नियमित कर्मचारी उनको बनाइए, आप एडवर्टाइज कीजिए, लीजिए, चाहे इनको भी वरिष्ठता दें, उनको एक काम समाप्त हो जाए, उससे भारत सरकार जो नीतिगत प्रश्नों पे पैसा देगी वो इन पे नहीं देगी। सही बात है, तो हमारी सरकार को लगभग 8 हजार करोड़ का अनुदान, हिमाचल को 60 हजार करोड़ को ले रहा अपने कर्मचारी को। हम कर्मचारियों के साथ भी धोखा कर रहे हैं, हम नीति के विरुद्ध भी धोखा कर रहे हैं और सरकार पर आर्थिक दबाव भी बहुत पड़ रहा है और हमारे केंद्र से वो पैसा भी योजना में नहीं मिल रहा। तो ये काम निश्चित रूप से होने चाहिए, उस दिशा में अधिकारियों किसी को फुर्सत नहीं सोचने की। एक आरोप लग रहा है, एक आरोप लग रहा है, हीरा सिंह भी उत्तराखंड के कर्मचारियों को सबसे बड़े नेता है, लेकिन उपनल के मामले में गलत लोगों को सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उपनल का काम, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जिस ढंग से उपनल को इतना बड़ा किया गया, जिस लोगों को समायोजित किया गया है, जिस उनके माध्यम से किया गया, वो गलत कहीं ना कहीं तो गलत है ना, इस चीज को तो आप भी मानते होंगे। मैं खुद इस बात को कह रहा, उपनल का काम केवल भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों रिटायर्ड फौजियों का था, ये एम्प्लॉयमेंट का काम आकस्मिक किया, आप पीआरडी को आप दे रहे, हमारी इच्छा शक्ति क्यों नहीं है कि हम रेगुलर नियुक्तियां निकाल के एडवर्टाइज करके रेगुलर भर्ती करें, ये इच्छा शक्ति का अभाव है। ये हमारे वैकेंसी नहीं, 60 हजार लगभग वैकेंसी है हमारे यहाँ, हम कह रहे प्रदेश के साथ भी धोखा कर रहे हैं, कर्मचारी के साथ भी धोखा कर रहे हैं और नीति के खिलाफ भी धोखा कर रहे हैं। भैया पीआरडी और उपनल के माध्यम से जो भी लोग आए हैं, आप उनको कहीं समायोजित नियम के अनुसार नहीं कर सकते ना, क्योंकि आरक्षण की भी बात आती है, 36% उत्तराखंड में लगभग आरक्षण है, उसमें भी आप 36% आपको करना ही करना है, तो आप उपनल के लोगों को कैसे समायोजित कर सकते हैं? नहीं, अभी भारत सरकार के एक लेटर यह आया है कि जो उपनल केवल पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा करेगा उन्हीं के नाम भेजेगा, इसमें जो लोग ONG में, सर्वे में, IID फैक्ट्री में रहे उन पर गाज गिर रही है, उनको वो हटाने की बात चल रही है, एक गंभीर प्रश्न सामने आ गया। तो इसलिए ये 22,000 लोग हैं, इनके भविष्य को हमको सुरक्षित भी करना है, वो कोई मानक नहीं है, जिसने अप्रोच करी वो लग गया, तो इसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना, कि इसकी भी जांच, इसलिए कि आप जैसा नेता जो कि ताकतवर से इन लोगों की बात रखता है और वह भी जान रहे हैं कि गलत ढंग से लोगों को अंदर घुसाया गया, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। संजय श्रीवास्तव को मालूम था कि भाई 4 आदमी उनके रखने हैं, उपनल के थ्रू गए, 4 आदमी को एडजस्ट करा दिया, तो इसकी भी तो जांच होनी चाहिए कि किसने ऐसा किया। नहीं नहीं कहीं कहीं ना कहीं तो गड़बड़ तो है उसमें, तो उसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच भी हो, लेकिन इस अनिश्चित
स्थिरता के वातावरण को समाप्त किया जाना चाहिए। यह सरकार को इच्छा शक्ति से एक निर्णय लेकर के जो विभिन्न विभागों नियुक्तियां हैं बहुत हमारे आरक्षण का पालन करते हुए सुनिश्चित करते हुए उस दिशा में नियुक्तियां की जानी चाहिए। ये एक बड़ी बात है। और इसका एक दूसरा रूप भी है, आप लोगों ने दबाव बनाया, बात विधानसभा तक गया, बात पे सहमति बनी, सहमति के बाद भी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, उस तरफ नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये माना जाए ना सरकार फेलियर, ये सरकार चलिए आरोप नहीं है लेकिन दिखाई तो दे रहा है ना कि सरकार फेलियर है। पूरी सरकार चाह रही है कि उनको कहीं ना कहीं समायोजित किया जाए, कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। या तो अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई के लिए हीरा सिंह भी जैसे आदमी को तो बोलना पड़ेगा। नहीं, मैंने तो एक कहा कि जो अधिकारी सरकार की नीतियों पर कुठाराघात कर रहे हैं, उनको झुठला रहे हैं, कैबिनेट के फैसलों को झुठलाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो चेक करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, मतलब हीरा सिंह बिस्ट की धार कुंद हो रही है, कमजोर हो रही है। नहीं नहीं, हीरा सिंह बिस्ट तो अपना काम करते हैं। मैं तो विधानसभा में भी जो मजदूरों के हित की हो, किसानों के हित की हो, बेरोजगारों के हित की बात मैं उठाता हूँ, क्योंकि विधानसभा पार्टी लेवल से ऊपर की चीज होती है। हमें राष्ट्रपति जी ने भी यही संदेश आकर दिया था कि यहाँ विचारधारा का टकराव नहीं होना चाहिए, जनहित के मुद्दे उठने चाहिए। उस दिशा में काम करता हूँ, तो वो काम निश्चित रूप से होने चाहिए। यह जरूर है कि भ्रष्ट अधिकारी हो चाहे इंजीनियर हो, उनका अड्डा प्रदेश बनता चला जा रहा है। शुरू से तिवारी जी के टाइम पे जो शालीनता थी, जो स्वच्छता थी, जो नीति के काम होते थे, जो गरिमा थी, बीजेपी के आने के टाइम पे वो ध्वस्त हुई। उस ध्वस्त वातावरण को हम गति नहीं दे पा रहे, सुधार नहीं कर पा रहे, हम स्वीकार करते हैं। उसमें समय लगेगा निश्चित रूप से, और माननीय मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे, पूरी कैबिनेट प्रयास करे, पार्टी प्रयास करे, तो इन सब चीजों से हम उभर सकते हैं। समय है हमारे पास, क्योंकि हम जनता के हितों को सर्वोपरि मानकर सरकार निर्णय ले रही है, निर्णय ले रही है, निर्णय क्रियान्वित होने चाहिए। ये दिशा रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हीरा सिंह से चर्चा जारी रहेगी। बदली वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूपमंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर इसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूपमंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Thank you.
बाद हीरा सिंह जी से चर्चा करेंगे राजनीति पर। ब्रेक के पहले चर्चा हो रही थी अधिकारियों की बेलगामी पर, आपके नेता भी तो बेलगाम है। हरीश रावत को कायदे से काम नहीं करने दे रहे हैं, खनन का आरोप आपके ही नेता लगा रहे हैं, आपके कैबिनेट के लोग ही एक मंत्री हैं जो लगातार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप क्या टिप्पणी होगी और कैसे उसको देखते हैं? आरोप हमारे पार्टी फोरम पे लगने चाहिए, पार्टी फोरम पे खुद चर्चा होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आरोप लगा रहे हैं कि खनन पे मुख्यमंत्री का सर है। नहीं, निश्चित रूप से कुछ लोग सीधे आरोप लगा रहे हैं, हमारा डेमोक्रेसी ज्यादा है पार्टी लेवल पे, वो सरकार लेवल पे प्रजातंत्र बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा है कि हम अपनी सीमाओं से भी बाहर जाकर के कई बार बयान दे देते हैं। वो हमको अपनी सीमा मुख्यमंत्री से मेरी बहुत बातें होती, विवाद भी होता है, झगड़ा भी होता है, सब बातें होती, लेकिन वो अंदर की बातें हैं, कुछ हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन ये खनन का है, शराब के मुद्दे ऐसे हैं, भूमाफिया के मुद्दे ऐसे हैं, ये निश्चित रूप से चलेंगे भी, ये चलेंगे भी। इन पर नियंत्रण करने का मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मैंने सब काम बंद कर दिया, उन्होंने बंद भी कर दिया। उसके बाद भी जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो उतने उन पर नियंत्रण नहीं है। मैं भी ये मानता हूं कि इसमें पुलिस के अधिकारी, क्षेत्रीय SDM, उनकी मिली भगत से या DM के संरक्षण में एक काम हो रहे हैं। एक किसी को कोई नसीहत नहीं मिल रही ना, गलत काम करने वाले नसीहत नहीं मिल रही, वो समझ रहे कुछ इधर से ट्रांसफर होगा उधर। तो ये माना जाए कि जिस इच्छा शक्ति के साथ मुख्यमंत्री ने इस राज्य के विकास के लिए बीड़ा उठाया था, वो इच्छा शक्ति कमजोर हो रही है। अब मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति तो अभी बड़ी प्रबल है, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। कैसे माना जाए, 12 मंत्रियों की बात है, आप सबसे सीनियर लोगों में एक हैं, आप उत्तर प्रदेश में भी आपने बड़ा अच्छा कार्यभार देखा, उत्तराखंड बनने के बाद भी देखा, क्यों नहीं 12 में आपको चांस दिया जाता, 12 में खिलाड़ी के रूप में क्यों नहीं आपको अंदर किया जा रहा है? नहीं नहीं, मेरे से सब योग्य विधायक हैं। कौन योग्य है? दो ही नाम सामने आता है, एक सुबोध उनियाल, एक आपका, तो आपको क्यों नहीं चांस दिया जा रहा है? मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और वो जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे बनाएंगे, लेकिन उस ज्यादा दिन हो गया, हाँ, उसको भर देना चाहिए। चुनाव आपके सामने है, यस, 1.5 साल भी नहीं है चुनाव के, और तैयारी के 1 साल पहले तैयारी कर देंगे, 6 महीने का आपको अगर मंत्री बनाया जाए या किसी दूसरे को बनाए, 6 महीने वो क्या कर लेगा, कौन सा जज जीत लेगा? जवाब तो आपको देना पड़ेगा। कल आपके पास अगर मंत्री पद आता है, परिवहन आता है, जो हालत बिगाड़ रखी है परिवहन विभाग की, 6 महीने में कैसे सुधार कर देंगे आप? नहीं, हालत तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। जो 2007 में हमने जहाँ छोड़ा था ISBT बनाने थे हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, उस पर काम नहीं हुआ। जो दिशा देनी थी, जो 800 बस हमने नई खरीदी थी, उनके भी छकड़ा वो हो गई है, कोई नियंत्रण वहाँ नहीं है, बेलगाम चल रहा है। अभी अभी जो हमारी रोडवेज की जमीन थी, 1,20,00,000 में पहले लीज पर दी गई, आज वो हटा हुटू के 80,00,000 पे दे दी गई है। रोडवेज का वैसे ही नुकसान हो रहा, कोई बोलने को तैयार नहीं है। 10,00,000 की गाड़ी, 12,00,000 की गाड़ी हम संविदा के ठेकेदार के कंडक्टर ड्राइवर को दे रहे हैं, तो इस तरह विभाग नहीं चलता। दो आदमी आप सत्ता छोड़ी, आप मंत्री पद से हटे, हमें उसके बाद 5 ऐसा बता दीजिए जो आपके पास विभाग थे जो अच्छे काम किए गए हैं। आपके पास जितने विभाग थे, हमारे समझ से 5 भी अच्छे काम नहीं किए। लेबर विभाग का बहुत बुरा हाल है, जहाँ हमने छोड़ा था। परिवहन का ले लीजिए, परिवहन का ले लीजिए, जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन का ले लीजिए, आज यूनिवर्सिटी में कोई भी रेगुलर कर्मचारी नहीं। भाई सबसे ज्यादा विवाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में है, आपके समय से एक विवाद नहीं आया। उस समय की CAG की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए और आज देख लीजिए, VC से लेके नीचे चपरासी तक बताते हैं कि आधा आधा स्टाफ ऐसा रखा गया है जो कहीं भी नहीं है, उसको इन्होंने दिखा दिया कि डिपुटेशन पे लिया गया, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं इस बात को असेंबली में क्वेश्चन भी लगा चुका हूँ, इससे टेक्निकल एजुकेशन से हमको मजाक नहीं करने चाहिए, बाकी बहुत गर्म, वहां से रोजगार मिलता है बच्चों को, उनका भविष्य बनता है। आज हमारे 20 पॉलिटेक्निक ऐसे हैं जिसको AICT से मान्यता नहीं है, वहां के बच्चे पास होकर के निकलेंगे तो उनको बाहर UP के बाहर नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको मान्यता नहीं ली AICT की, आपने खोल दिए। हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सारे डेपुटेशन पे हैं, एक ITI का अनुदेशक वहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार बना हुआ, पॉलिटेक्निक का मास्टर रजिस्ट्रार बना हुआ, इसमें जहाँ 40,000 बच्चों का नियंत्रण है, तो वहाँ इस तरह से दूसरे से जो संविदा के कर्मचारी हैं वो डेपुटेशन पर आ रहे, जो हो नहीं सकता नियमानुसार। तो और वहाँ अफसोस इस बात का कि 40 करोड़ की बिल्डिंग फैब्रिक की बनाई गई है, फैब्रिक की बना दी गई, कोई सुनने वाला है, कोई देखने वाला है? ये चला रहा BJP के टाइम से शुरू हुआ था, आज वो क्रम आगे बढ़ रहा है, उसको कोई नियंत्रण नहीं, कोई देखने। एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगता है,
जांच ऊपर तक होती है कि उसको हटाया जाए, नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। सरकार सो रही है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी सो रहा है। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं है, बड़े मुश्किल से वीसी आया। हम उम्मीद करते थे, पहले वीसी को भी काम नहीं करने दिया गया। गवर्नर ने इंस्ट्रक्शन जारी करी कि ऑटोनोमी रखिए यूनिवर्सिटी की, लेकिन नहीं हो पा रही थी। शासन बार बार ट्रांसफर करना, तो शासन को पूछना, नियुक्ति करनी, सब ये ऑटोनोमी वीसी का अधिकार होता है, लेकिन नहीं काम करना, वो चले गए चौहान साहब छोड़ के। बड़ा दुर्भाग्य है ये। तो कोई मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी? मॉनिटरिंग करनी चाहिए। मतलब ये माना जाए कि अधिकारियों का जो होल्ड है वो टूट नहीं पा रहा है, उसी के मकर जाल में पूरा प्रदेश फंसा हुआ है। हमारे मंत्रियों को भी अपनी इच्छा शक्ति से मीटिंग करके और एक निर्णय लेने की क्षमता उनमें है, करना चाहिए। टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बहुत सी यहाँ पे यूनिवर्सिटियां बनाई गई जो कि उसके साथ है, उस पर आरोप भी लगते रहे हैं। उत्तराखंड टेक्निकल कॉलेजों का पूरा हब माना जाता है, और जो आरोप लगातार यूट्यूब या टेक्निकल डिपार्टमेंट पर लग रहे हैं, तो उसके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जैसा मैंने कहा, रोजगार देने की एक हमारे बहुत बड़ी कार्यशाला, जहां से रोजगार लोगों को मिलेगा, भविष्य बनेगा लाखों बेरोजगारों का। लगभग आज 40,000 बच्चों का संरक्षण टेक्निकल यूनिवर्सिटी करती है। उस टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जितने हमारे कॉलेज थे, 4 यूनिवर्सिटी बन गई, इतनी जल्दी में बन गई। कोई मानक नहीं, कुछ नहीं, कोई आधार नहीं था। एक ऑटोनॉमी आपने पूरी उनको दे दी। तो ये टेक्निकल एजुकेशन के सुधार है, व्यक्ति का हित हो सकता है, लेकिन राज्य का हित, उन नौजवानों का हित उसमें नहीं हो सकता। और फीसें भी ज्यादा पड़ेंगी, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो सारे काम ऐसे हैफजर्ड वे में हो रहे कि किसी को सरकार ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी विवादित भूमि पे बना दी, कोई पूछने वाला नहीं है। वह जमीन जिसकी है, अगर कोर्ट ने उसके फेवर में फैसला कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? टेक्निकल यूनिवर्सिटी का तो ग्राम समाज की जमीन पर हमको पता लगा, सरकारी जमीन पर बनी है, कुछ विवाद हो सकते हैं उसमें, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन बनी तो ठीक से चलनी चाहिए। पूरे प्रदेश के 40,000 बच्चे उससे जुड़े हैं। जो भी यूनिवर्सिटी बने, मानक हैं कि नहीं है? आपने इतनी यूनिवर्सिटी बना दी, क्या मानक थे, किस तरह बनी, सबको पता है। इसकी तो जांच करनी चाहिए, इसकी तो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड में ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, द्वाराहाट का है, पौड़ी का है, पंतनगर है, वहां की व्यवस्था खराब होती चली गई है। प्रिंसिपल न होने से, रेगुलर प्रिंसिपल न होने से, मनचाहे लोगों को चाय देने से, टेक्निकल एजुकेशन वहां पारदर्शिता होनी चाहिए। और जो डिजर्व हो, प्रिंसिपल के ऊपर सारा डिपेंड करता है। भारत सरकार की भी ग्रांट आती है, उसका भी उपयोग होना चाहिए। अब गोपेश्वर में आपने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, सामान पहले खरीद लिया, वो एक कमरे में डंप पड़ा करोड़ रुपए का सामान, वहां कमरे नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, एडमिशन की व्यवस्था नहीं है। लौटते हैं राजनीति की तरफ। आपको आधा समय मिला है काम करने के लिए, दुर्भाग्य से पिछली बार आप नेतृत्व नहीं दे पाए विधानसभा में, अपना सही भक्त नहीं, तो आप 2.5 वर्षों आपके पास कार्यकाल का है। क्या आपको लगता है इस दौरान आप 2017 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव को ईमानदारी और मेहनत से जीत पाएंगे? और क्या क्या योजनाएं हैं जिससे आप और सरकार को 2017 में जाना चाहिए? 2017 में पहली बात तो यह कि जितनी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएं, सरकारी घोषणाएं, उसको धरातल पर उतारना होगा, उनको करना होगा। हमारे क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने घोषणाएं करी, मैं उनको पूरा करने में लगा हूँ। सड़कों का है, चाहे स्टेडियम मिनी स्टेडियम की है, चाहे बहुउद्देश्य योजना है, चाहे वो इस हमारे डिग्री कॉलेज की है, इंटर कॉलेज की है, पुलों की है, चाहे हमारे हॉस्पिटल के उच्चीकरण की बातें हैं, तो बहुत सी घोषणाएं मैं उनके ऊपर लगा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री रेगुलर संपर्क में रहता हूँ, जो विभागीय मंत्री उनसे भी संपर्क में रहता हूँ कि जो घोषणाएं उनका सम्मान होना चाहिए। 1.5 वर्ष है चुनाव के, अगर आपको मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है तो आपको क्या लगता है कि 1.5 वर्षों में आप ऐसा प्रस्तुत कर पाएंगे उदाहरण जिससे पूरी सरकार को मदद मिले? नहीं, उस बारे में कोई फोरकास्ट करना तो अच्छा नहीं, जब समय मिलेगा तो। नहीं, आप मंत्री रह चुके हैं, आपने रिजल्ट दिया है। मेरा तो एक धारणा है जीवन की, एक चपरासी से लेकर पॉलिटिशियन, अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी हो, अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मुझे आज मौका मिला, आज ऐसे काम कर दूं कि कल मिले न मिले, वो धारणा हमको खत्म करनी होगी। काम करें तो भविष्य में जो बुनियाद तिवारी रख गए, तो उस बुनियाद पर जो कुछ खड़ा हुआ आज हुआ, उससे आगे हम नया कुछ नहीं कर पाए। जो हमारे शेड्यूल की नीतियां थी, जो टेक्निकल एजुकेशन की नीति थी, जो
मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी का हो, पौड़ी का हो, बना गए, जो इंजीनियरिंग कॉलेज बना गए थे, व्यवस्था कर गए, जो सड़कें पुल ब्रिज वो बना गए थे, हमको नई सोच के साथ जो रोजगार देने का काम उत्तराखंड में बहुत बड़ा, हम पलायन नहीं रोक पा रहे। पहाड़ों के लोगों को कैसे रोकें जिससे वो रुकें, उस पलायन को रोकने को नीति बनानी पड़ेगी। तिवारी जी के टाइम से मैंने दो सुझाव महत्वपूर्ण दिए थे कैबिनेट में, ये पलायन इसलिए रुकेगा कि डॉक्टर टीचर कर्मचारी तभी जाएगा, एक तो उनकी आवास की व्यवस्था हो पर्वतीय क्षेत्र में, दूसरे उनके बच्चों के शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय या राजीव गांधी विद्यालय जैसे महत्वपूर्ण चीजें हर जनपद में पहाड़ों पर होनी चाहिए, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए पेरेंट्स प्लान करते हैं, रोजगार के लिए प्लान करते हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी हमारे स्थानीय फसलों पर, सब्जियों पर सब्सिडी देने की बात की, काम रोजगार देने की बात की, बहुत अच्छी सोच के साथ उन्होंने बड़े बड़े विकल्प मुख्यमंत्री सुझाए, उन पर काम करने की आवश्यकता, इसलिए उसमें पॉलिटिशियन अधिकारी हमारे ब्लॉक क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सब मिलकर काम करें तो खुशहाली भी होगी, पलायन भी रुकेगा, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी। आज हमारे प्रदेश में चीनी मिले सहकारी सरकारी हैं, और कोई मैं नहीं समझता कि सुधार का कोई काम नहीं हो रहा, केवल जो अधिकारी बैठा उसको दोहन कर रहा, लूट रहा, 2.5 करोड़ का स्क्रैप बेच देंगे पता नहीं, सरकार से मदद ले लेंगे हर साल रिपेयर की पता नहीं, गदरपुर में 700 बीघा जमीन है, सारे माफिया को उसको नजर है, पहले ही बंद कर दी, आंदोलन के बाद वापस ली गई, आज फिर बंद कर दी गई, उसको सुधारने का अधिकार उन्होंने काम किए, जो अधिकारी है क्या जिम्मेदारी उनकी है, यह ना हम पूछना चाहते हैं कि आपने क्यों बंद कर दी तनख्वाहें मिलनी, वहां 500 कर्मचारी और पूरा गन्ना क्षेत्र वहां पर है, आपने क्यों बंद कर दी, अधिकारियों का एक्सप्रेशन कॉल क्यों नहीं हो रहा, जो एक्सपर्ट बनते हैं अपने को सुधार के बताएं ना, जब सहकारी क्षेत्र में क्या किसानों की मजदूरों की क्षेत्रीय जनता की कभी मीटिंग हुई, एक मीटिंग नहीं हुई। आरोप तो लगते रहे हैं कि बहुत पहले से ही इन चीनी मिलों को बेचने का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा चुका है। चीनी मिलें सहकारी नो लॉस नो प्रॉफिट पर चलती हैं, प्रॉफिट हो न हो वो रोजगार दे रहे, हमारे प्रदेश की पहचान बनी, हमारे प्रदेश के किसानों को गन्ना यूपी में नहीं भेजना पड़ेगा औने पौने दाम में, ये बात सोच करके चलनी चाहिए ना, लेकिन सोच नहीं है, विजन नहीं है, कोई काम ही नहीं करना चाह रहा, बंद कर दो बेरोजगारों में हम उनको कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे। रोडवेज को जब हम गए थे तो बीजेपी के फाइल पर लिखा था कि क्यों ना इसका निजीकरण कर दिया जाए, हमने नहीं माना, तिवारी से हम लोग लड़े, हमने बातचीत की कि नहीं मैं निजीकरण के खिलाफ हूं, निजीकरण तो अंतिम अस्त्र है कि नहीं चला पाएंगे, लेकिन हमने चलाया, खड़ा किया, प्रॉपर्टी में उसको ले गए, बसें भी खरीद दी, हमारे ये ऑफिस भी बना, ISBT बना, इस तरह का हमने हरिद्वार उधम सिंह ने बनाने की हमारा प्रोग्राम था, लेकिन वो नई सरकार बदल गई, उस बीजेपी सरकार की तो कोई सोच थी नहीं, हमारा IT पार्क बना था इतना अच्छा, जहां आज भी कम से कम 4-5 हजार बच्चे काम कर रहे हैं, उसको बढ़ाना था, 10 हजार टारगेट था हमारा उस समय, लेकिन IT पार्क को समझे नहीं, वहां उनका शोषण किया गया बीजेपी के शासनकाल में, तो बहुत सी कंपनियां चली गई, बिलग्रेड कंपनी भी आई थी जब दुनिया का सबसे बड़ा वास्ता IT का, अब वो भी चला गया, तो बीजेपी की सोच नहीं थी, उसकी पीड़ा उसका दंश जो है उससे हम उभर नहीं पा रहे, जो हमारी सोच थी एग्रीकल्चर की, किसानों की, मजदूरों की, IT सेक्टर की, हॉस्पिटल की, मेडिकल की थी, चाहे टेक्निकल एजुकेशन की थी, उस दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है, केवल हम अधिकारियों के हाल पर छोड़ दें तो नहीं चलेगा प्रदेश, लोग माफ नहीं करेंगे जो राज्य बनाता। ये थे हीरा सिंह देश, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से ये बात कही कि मुख्यमंत्री तो काम करना चाहते हैं लेकिन अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल रहा है, जिससे आज राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हीरा सिंह बिष्ट की बात अधिकारी भी समझेंगे, समय रहते अगर उस राज्य का सहयोग करेंगे तो जिन उद्देश्यों के लिए राज्य बना था उन उद्देश्यों के लिए सफल होगा। धन्यवाद, देखते रहिए साधना प्राइम। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ, बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी, वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। से पानी हो 100% सेफ और हेल्दी भी। केंट में है बेस्ट प्योरिफिकेशन RO UV और TDS कंट्रोलर से। केंट दे सबसे शुद्ध पानी मिनरल्स के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये चेहरे की त्वचा